हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए बच्चे मेरे चैनल पर आए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रेड बटन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उन्हें नई कहानियों का नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, आज हम एक नई कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है ईश्वर सब कहीं है, यानी कि ईश्वर सब जगह पर है। दाता दीन अपने लड़के गोपाल को नित्य शाम को सोने से पहले कहानी सुनाया करता था। एक दिन उसने गोपाल से कहा, बेटा एक बात कभी मत भूलना कि ईश्वर सब कहीं है, सब जगह है। गोपाल ने इधर उधर देखकर पूछा, पिताजी भगवान सब कहीं है? वह मुझे तो कहीं दिखते नहीं। दाता दीन ने कहा, हम भगवान को देख नहीं सकते किंतु वे हैं सब कहीं और हमारे सब कामों को देखते रहते हैं। गोपाल ने पिता की बात याद कर ली। कुछ दिन बाद अकाल पड़ा। अकाल मतलब बारिश ना होने से सूखा जब पड़ता है तो उसे अकाल कहते हैं। दाता दीन के खेतों में कुछ हुआ नहीं। एक दिन गोपाल को लेकर रात के अंधेरे में वह गांव से बाहर गया। वह दूसरे किसान के खेत से चोरी से एक गट्ठा अन्न काट कर घर लाना चाहता था। गोपाल को मेड़ पर खड़ा करके उसने कहा, तुम चारों ओर देखते रहो, कोई इधर आवे या देखे तो मुझे बता देना। जैसे ही दाता दीन खेत में अन्न काटने बैठा, गोपाल ने कहा, पिताजी रुकिए। दाता दीन ने पूछा, क्यों, कोई दिखता है क्या? गोपाल बोला, हाँ देखता है। दाता दीन खेत से निकलकर मेड़ पर आया। उसने चारों ओर देखा। जब कोई कहीं न दिखा तो उसने पुत्र से पूछा, कहाँ, कौन देखता है? गोपाल, जो उसका पुत्र था, उसने कहा, आपने ही तो कहा था ईश्वर सब कहीं है और सबके सब काम देखता है, तब वह आपको खेत काटते क्यों नहीं देखेगा? दाता दीन पुत्र की बात सुनकर बहुत लज्जित हुआ और चोरी का विचार अपने मन से छोड़कर घर को वापस लौट आया। इसलिए बच्चों, ईश्वर सब जगह है, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर सब तरफ से हमको देख रहा है। ठीक है बच्चों, अगली कहानी में मिलते हैं।